हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट स्किल्स के बारे में बात करेंगे। क्या क्या ऐसी इम्पॉर्टेंट स्किल्स हैं जो हमें अच्छे से नहीं आती और हम एक अच्छे स्ट्रक्चर इंजीनियर नहीं बन पाते। तो दोस्तों, उसमें सबसे पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ रीडिंग प्लान। आप बोलोगे, सर रीडिंग प्लान का मतलब क्या है? रीडिंग प्लान का मतलब है सिर्फ प्लान को देख के उसका सेक्शन और एलिवेशन नहीं बताना। प्लान को देखो तो ये इमेजिन करो कि इसका एस्थेटिक व्यू कैसा दिखेगा, इसका 3D व्यू कैसा दिखेगा। इस प्लान में जब स्टील की डिटेलिंग दिखाएंगे तो वो स्टील कैसा दिखेगा, उस स्टील में लैपिंग किस पॉइंट पे रखेंगे, लैपिंग अगर इस पॉइंट पर रखेंगे तो क्यों रखेंगे। अगर उस प्लान को हमने देखा तो उसमें डेवलपमेंट लेंथ कैसा दिखेगा, डेवलपमेंट लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे। रीडिंग प्लान का मतलब होता है पूरे प्लान को इमेजिन कर लेना, ये सोच लेना कि इस प्लान को जब बन जाएगा तो कैसा दिखेगा। इमेजिनेशन इज द फर्स्ट की फॉर बिकम अ गुड स्ट्रक्चर इंजीनियर। इमेजिनेशन इज द फर्स्ट की फॉर बिकम अ गुड स्ट्रक्चर इंजीनियर। तो आपको प्लान देख के इमेजिन हो जाना चाहिए कि ये प्लान बन के दिखेगा कैसे। कुछ लोग उसका एलिवेशन रीड करते हैं, एलिवेशन रीड नहीं किया जाता भाई, एलिवेशन तो दिखता है। तो जो सबसे पहला टर्म आपने सुना, दैट इज रीडिंग प्लान। तो प्लान रीड करने के लिए थोड़े से आपको टर्म्स जानने पड़ेंगे। कौन कौन से टर्म्स? आर्किटेक्चर टिक, स्ट्रक्चर टिक, सिंबल्स, उनका जो एलिवेशन है, तो अगर क्रॉस रोड है तो रोड का जो एलिवेशन है वो कैसा दिखेगा। ये जो आर्किटेक्चर पॉइंट है, टाइप्स ऑफ लाइन, ऑब्जेक्ट लाइन कौन सा है, सेक्शन लाइन कौन सा है, ये सारी चीजें मिलके आपका बनता है रीडिंग प्लान। दूसरी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज स्ट्रक्चर बिहेवियर। स्ट्रक्चर बिहेवियर, आप बोलोगे सर ये क्या होता है? मेरे भाई, अगर आपको कोई बिल्डिंग बनाना है तो बिहेवियर बिना पढ़े आप नहीं बना सकते हो। बिहेवियर कैसा? बिहेवियर ऐसा कि अगर आपको मेरे बारे में लिखना है तो सबसे पहले आपको मेरे बारे में जानना होगा, मेरे नेचर के बारे में आपको जानना होगा, मुझे आपको समझना पड़ेगा। करेक्ट है? सेम इसी तरीके से एक स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हो आप, एक डिजाइन बनाने जा रहे हो आप। इसका मतलब उस डिजाइन पे जब लोड डालोगे तो कैसा इफेक्ट आ सकता है, जब उस डिजाइन पे लेटरल फोर्स आएगा तो कैसा उसका बिहेवियर होगा, उस डिजाइन पे अर्थक्वेक प्रेशर आएगा तो क्या हाल होगा, क्या फ्रीक्वेंसीज बनेंगी, उसके लिए स्टैटिक एनालिसिस कैसे करेंगे, डायनेमिक एनालिसिस कैसे करेंगे, ये सारी चीजें मिलके बनती हैं स्ट्रक्चरल बिहेवियर, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं एक स्ट्रक्चर इंजीनियर के लिए। तीसरी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज स्ट्रक्चरल एनालिसिस। अब कई लोग जो वीडियो देख रहे होंगे ये सोच रहे होंगे, सर ने तो बिहेवियर बोल दिया, फिर एनालिसिस क्यों बोल रहे हैं? यार, बिहेवियर अलग चीज है, एनालिसिस एक अलग चीज है। एनालिसिस मींस अगर हमने लोड डाला है तो वो लोड क्या रोल प्ले करेगा, उस लोड से कितना बेंड आएगा, कितना शियर फोर्स आएगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे शियर फोर्स क्या होता है, तो भाई अगर आप स्ट्रक्चर इंजीनियर बनना चाहते हो तो पहले तो शियर फोर्स समझो। शियर फोर्स मतलब अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस फ्रॉम पॉजिटिव एंड नेगेटिव डायरेक्शन। ये जो अल्जेब्रिक सम होता है ये क्यों करते हैं, इससे हम चेक करते हैं कि अगर हमारे पास एक बीम है, अचानक मान लो ये बीम है, अगर इस पर लोड आया कहीं अचानक से ब्रेक तो नहीं हो जाएगा,
आप सोचोगे कि अचानक से ब्रेक हो जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सियर फेल्योर. क्या बोलेंगे? सियर फेल्योर. दूसरा टर्म जो इसी से जुड़ा है, दैट इज बेंडिंग मोमेंट. फाइंड करते हो ना बेंडिंग मोमेंट. अभी पीछे मैंने एक वीडियो बनाया था मैनुअल वर्सेस सॉफ्टवेयर, उसमें मैंने दिखाया था SFD कैसे निकालते हैं, BMD कैसे निकालते हैं. अगर नहीं देखा है तो समझ लेना अच्छे से. तो बेंडिंग मोमेंट क्यों फाइंड करते हैं? बेंडिंग मोमेंट से हम फ्लेक्चरल फेल्योर चेक करते हैं, फ्लेक्चरल फेल्योर को रोकते हैं. आप बोलोगे सर फ्लेक्चरल फेल्योर क्या होता है? तो दोस्तों फ्लेक्चरल फेल्योर मतलब अगर आपके पास एक कोई एक बीम है, इस बीम को अगर हमने यहां से सपोर्ट दिया है तो बार बार घूमने की कोशिश करेगा ना. कहे क्यों? क्योंकि इधर से विंड आ रहा है, इधर से वर्टिकल लोड आ रहे हैं, तो कोशिश करेगा घूमने का. तो जब कोशिश करेगा तो इसमें कुछ क्रैक्स डेवलप होंगे, होंगे ना. आपके घर में भी और ढेर सारी बीम्स होंगी जिनमें क्रैक आए होंगे. वो क्रैक कहीं ज्यादा ना हो जाए, उसी को बोलते हैं फ्लेक्चरल फेल्योर. तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम एनालिसिस करते हैं शियर फोर्स की और बेंडिंग मोमेंट की. और भी बहुत ढेर सारी एनालिसिस आपने देखी हैं, ठीक है. अब मैं एनालिसिस के बाद चलता हूं जो सबसे ज्यादा थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट रोल प्ले करता है, दैट इज स्ट्रक्चर डिजाइन. क्या? स्ट्रक्चर डिजाइन. आप बोलोगे डिजाइन और एनालिसिस में डिफरेंस क्या है? एनालिसिस मीन्स व्हाट डाटा यू पुट, दैट व्हाट रिजल्ट वी गेट. मीन्स अगर हमारा डिफ्लेक्शन 10 mm आया तो ये एनालिसिस है. ये क्या है? एनालिसिस है. बट वो 10 mm क्या हमारे बीम को फेल करेगा या पास करेगा, ये डिजाइन में आपको पता चलेगा. फेल और पास कर रहा है, अगर पास कर रहा है तो उसमें स्टील का कितना रिक्वायरमेंट होगा, कितने mm के कितने स्टील लगाएंगे, दैट इज कॉल्ड डिजाइन. डिजाइन में हम ये डिसाइड करते हैं कि लैप लेंथ कितना रखना है. डिजाइन में हम ये डिसाइड करते हैं कि नंबर ऑफ बार कितना रखना है. डिजाइन में हम ये डिसाइड करते हैं कि मिनिमम एंड मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी रखनी है. डिजाइन में हम ये डिसाइड करते हैं एक स्टीरअप से दूसरे स्टीरअप की गैपिंग क्या होगी. इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर डिजाइन. और सबसे लास्ट में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है, दैट इज IS कोड फॉर बिल्डिंग. आप बोलोगे सर IS कोड की क्या जरूरत? IS कोड की जरूरत इस तरह से है कि अगर हम कुछ सोच रहे हैं, अगर हम सोच रहे हैं कुछ बनाने को, तो उसके स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, उसके स्टैंडर्ड्स क्या होंगे. अगर हम एक कॉलम बना रहे हैं तो कॉलम को लेंथ कितना देना चाहिए, विड्थ कितना देना चाहिए, इसका कुछ तो कंट्रोलिंग होना चाहिए. अगर हमारा डिजाइन STAAD.PRO पे दिखा रहा है 4%, ये क्या सोच उसका सही है? 4% में कहीं हमारा घाटा तो नहीं कर रहा है? ये कब पता चलेगा? ये तब पता चलेगा जब हमें पता होगा कि मिनिमम स्टील कितना लगाते हैं और मैक्सिमम स्टील कितना लगाते हैं. दोस्तों मुझे IS कोड से एक स्टोरी याद आ गई, तो मैंने सोचा वो स्टोरी भी आपसे शेयर कर देता हूँ. एक बार मैं गया मार्केट में, जा रहा था और वॉक करते हुए गया तो एक ठेला वाला आ रहा था, उसके पास कुछ अच्छे अच्छे नींबू रखे हुए थे. तो वो जो नींबू थे, मैंने सोचा कि मैं भी कुछ नींबू ले लेता हूँ. मैंने उसे बोला भैया नींबू कितने का है? तो उन्होंने बोला 10 रुपये का 2. तो मैंने ले लिया 10 रुपये का 2 नींबू और लेके अपने घर पे गया और अपनी माता जी को बोला आप लोग बहुत महंगी सब्जी लेके आते हो, देखो मैंने 10 रुपये में 2 नींबू लाया. तो मेरी माताजी मेरे ऊपर भड़क गई और चिल्लाने लगी, बोलती तुमको इतना नहीं पता है कि इस समय मार्केट में 1 रुपये के 2 नींबू मिल रहे हैं. तो मुझे, मैंने सोचा कि तब तो मुझे अच्छा से बना दिया वो ठेले वाले ने. मतलब अगर हमको IS कोड नहीं पता है, पैरामीटर ही नहीं पता होगा, तो हम डिजाइन कैसे करेंगे? 8% स्टील ले लेंगे, 10% कॉलम स्टील ले लेंगे, क्या होगा? सब फेल हो जाएगा. तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपको IS कोड जानते रहो, नहीं तो मेरी तरह 10 रुपये में 2 नींबू लोगे और आप घाटे में जाओगे. और हो सकता है आप घाटे में तो छोड़ो, आपकी जॉब भी थोड़ी थोड़ी अच्छे जगह पे पहुंच जाएगी. क्यों? क्योंकि आप किसी के लिए काम कर रहे हो, और जब आप किसी के लिए काम कर रहे हो तो मस्ट है कि आप उसके इकोनॉमी को स्लो करो.
एक डिजाइनर होता क्यों है पता है क्या, एक डिजाइनर अच्छा कैसे होता है पता है क्या, जो कम रेट में ज्यादा अच्छी चीज ला के दे दे, कम रेट में ज्यादा अच्छी बिल्डिंग बना दे, कम स्टील में ज्यादा डक्टाइल ज्यादा फ्लेक्सिबल एक स्ट्रक्चर बना के तैयार कर दे। तो उसके लिए हमको IS कोड बहुत ही ज्यादा अच्छे से आना चाहिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था IS कोड, क्योंकि इसके बिना हम कुछ भी डिजाइन अच्छे से नहीं कर सकते। लास्ट में दोस्तों, अगर आपको इंडिया में काम करना है तो आप MS Excel को अच्छे से सीख लेना। क्यों? क्योंकि ये कुछ टेक्निकल स्किल्स हैं। आजकल के स्ट्रक्चर इंजीनियर को टेक्निकल प्रोफिशिएंट होना पड़ेगा, आज के इंजीनियर को टेक्निकल प्रोफिशिएंट होना पड़ेगा। तो इसलिए MS Excel, क्यों? क्योंकि इंडिया की मैक्सिमम कंपनियों में MS Excel यूज हो रहा है। MS Excel क्यों यूज हो रहा है? क्योंकि इसमें डिजाइन करना बहुत ही इजी है। एक बार आप एक्सेल सीट बना लीजिए, फिर आप केवल डाटा पुट करिए, रिजल्टेंट आपके पास आ जाएगा बहुत जल्दी। मैं आपके साथ भी MS Excel के कुछ ट्यूटोरियल्स शेयर करूंगा, उस पर मैं काम कर रहा हूं। और साथ ही साथ अगर आपने MS Excel सीखा है तो AutoCAD और staad.pro को जरूर सीखिएगा। क्यों? क्योंकि अगर AutoCAD आप सीखोगे तो आपका ड्राइंग का जो डिटेलिंग का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। staad.pro जो सीखोगे तो आपको बिहेवियर अच्छे से समझ में आ जाएगा कि स्ट्रक्चर का बिहेवियर क्या होना चाहिए। और लास्ट में जो सबसे ज़्यादा आपने कॉलेज में पढ़ा, दैट इज योर मैकेनिक्स, सोम और RCC। मैकेनिक्स क्यों? मैकेनिज्म को समझने के लिए। सोम क्यों? उसके बिहेवियर को समझने के लिए, कि शियर फोर्स कितना आएगा, बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा, आएगा डिफ्लेक्शन तो कितना आएगा, ठीक है। और अगर आ रहा है डिफ्लेक्शन तो स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, मैट्रिक्स से कैसे सॉल्व करेंगे, सॉरी मैट्रिक्स ने मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करोगे। मैट्रिक्स मुझे इसलिए याद आया, मैट्रिक्स एनालिसिस मेथड और फाइनाइट एलिमेंट मेथड, इन दोनों को आप पढ़ना स्टार्ट करिए। अगर इन दोनों को पढ़ेंगे तो जो भी अच्छी कंपनियां हैं आजकल फाइनाइट एलिमेंट मेथड से स्ट्रक्चर को डिजाइन कर रही हैं, इनको पढ़ने के लिए आपको मैथ के कुछ टर्म्स क्लियर होने चाहिए, जैसे कि मैट्रिक्स, कैलकुलस, कैलकुलस में इंटीग्रेशन, ये सारी चीज़ें अगर आपको क्लियर है तो आप FEM यानी फाइनाइट एलिमेंट मेथड और मैट्रिक्स एनालिसिस मेथड अच्छे से समझ पाओगे। और staad.pro, AutoCAD और Excel तो आपको सीखना ही सीखना है, क्योंकि वो बिगिनिंग है आपकी। तो आपको स्टार्ट कहाँ से करना है? स्टार्ट करना है, अगर मेरी मानो तो आप स्टार्ट मैकेनिक से करो, उसमें रिएक्शन निकालना सीखो, फिर सोम पे जाओ, फिर RCC पे जाओ, फिर बिहेवियर अपने आप धीरे धीरे क्लियर होने लगेगा, और फिर एनालिसिस सीखोगे, फिर डिजाइन सीखोगे। मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं आपको? काफ़ी लोगों के काफ़ी अच्छे रिस्पांस आ रहे हैं, काफ़ी लोग मुझे बता के भी जाते हैं कमेंट में। यार कमेंट में बताना जरूर चाहिए, क्यों? क्योंकि उससे मुझे अपना फीडबैक मिलता है। हाँ, बताने के साथ एक छोटा सा फेवर किया करो यार, यहाँ पे एक शेयर बटन होती है जो बड़ी ही आसानी से आपको एक शेयर करना है और आपके सोशल मीडिया पे वो वायरल हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही कंटिन्यू इतने इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनते रहें, तो क्या आप एक शेयर नहीं कर सकते यार? एक शेयर करो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वायरल हो। आपने देखा होगा जो लोग इस चैनल पर डेली आते हैं, उन्हें देखा होगा कितने कंटेंट हम लोग देते हैं आपको। इस कंटेंट को अगर आप फैला देते हो तो मैं समझूंगा मेरा काम हो गया, और मैं आगे आपसे FEM मेथड भी डिस्कस करूंगा, Excel भी डिस्कस करूंगा। लेकिन मैंने सोचा है कि उसके लिए पहले मैं 5K सब्सक्राइबर कंप्लीट करूंगा। अगर मैं ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाऊंगा, कनेक्टिविटी हो जाएगी, रिस्पांस आएगा, और मुझे भी अच्छा लगेगा, मेहनत करने का मन करेगा। मैं सोचूंगा कि ऑफिस से टाइम निकाल के पहले इनको कुछ देना है। तो इतना आप लोग करिए, और ये वीडियो कैसा लगा या लाइक तो जरूर करके जाया करो, और लाइक करके अगर कमेंट करते हो नए नए वीडियोस की, आप बोलते हो कि सर मुझे ये वीडियो चाहिए, तो मेरे माइंड में चलता है कि चलो अब इसके लिए तैयारी करना है, अब इसको बनाना है। तो आप प्लीज़ कमेंट करके जाओ, और इस वीडियो को यहां तक देखा इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े रहो, अब बहुत ही जल्दी हम लोग और भी कुछ डिज़ाइन कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको रियल प्रोजेक्ट्स से रूबरू कराया जाए। तो कोशिश करिए कि आप टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर ज्वाइन रहिए, जिससे मैं कुछ भी शेयर करूँ तो आप तक पहुँच जाए। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।